नमस्कार दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि कई सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं और इसमें काफ़ी पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारी चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं तो विजय एकेडमी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो गोवा किस नदी पर स्थित है? तो चार ऑप्शन दिए गए, ए नर्मदा नदी, बी मांडवी नदी, सी ताप्ती नदी और डी पेन्नार नदी। तो करेक्ट इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट इसका आंसर है मांडवी नदी। ये जो मांडवी नदी है ये गोवा शहर के किनारे पर स्थित है और गोवा जो शहर है वो मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है और ये जो मांडवी नदी है ये निकलने का इसका स्थान है। बताना चाहता हूँ इसका जो इसका ये जो मांडवी नदी निकलती है ये कर्नाटक में एक कर्नाटक राज्य में एक बेलगांव जगह है, बेलगांव इस जगह से यह मांडवी नदी निकलती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी? अलवण यानी कि मीठे पानी की झील, लवणी यानी कि नमकीन होता है, तो अलवण यानी कि मीठे पानी की झील। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चार ऑप्शन दिए गए, ए डल झील, बी भीमताल झील, सी वुलर झील, डी नैनीताल झील। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट इसका आंसर आएगा वुलर झील। वुलर झील है जम्मू कश्मीर में स्थित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? चार ऑप्शन दिए गए, ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी झारखंड। तो ये जो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में एक जिला है उमरिया, उमरिया में यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उमरिया में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। तो चार ऑप्शन दिए गए, ए हाथी पाव, बी ओरिएंटल सोरस, सी नींद की बीमारी और डी काला अजार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट इसका आंसर आ जाएगा हाथी पाव। और ये जो हाथी पाव है इसका दूसरा नाम जो साइंटिफिक नेम है इसका साइंटिफिक नेम है एलिफेंटोयेसिस। ये इसका साइंटिफिक नेम है और इसके अलावा इसका दूसरा नाम भी एक और है लिम्फेटिक फिलेरियसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमने आपको बताया इसका जो प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है तो वो कौन सा आएगा? ए ऑप्शन हाथी पांव, ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी भारत के सुंदर वन एक उदाहरण है, पूर्वी भारत के सुंदर वन एक उदाहरण है। तो चार ऑप्शन है, वन पारिस्थितिक तंत्र का, बी मैग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का, सी घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र का और डी समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का। तो करेक्ट इसका आंसर क्या आएगा? मैग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मी स्ट्रोनिटम 90 से होता है, रेडियोधर्मी स्ट्रोनिटम 90 से होता है। चार ऑप्शन दिए गए, ए मस्तिष्क कैंसर, बी त्वचा कैंसर, सी फेफड़ों का कैंसर और डी हड्डी का कैंसर। तो ये जो स्ट्रोनिटम 90 है ये होता है एक आइसोटोप है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है त्वचा का कैंसर होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती, यानी कि कौन सी नदी भारत में नहीं निकलती? चार ऑप्शन दिए गए, ए गंगा गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड के, ठीक है, महानदी ये रायपुर जिले जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है वहाँ से निकलती है, सी ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी ये निकलती है अपने चीन में जो एक जगह है मानसरोवर झील के पास से यह निकलती है, ठीक है, और डी सतलज नदी। तो सतलज नदी तो पंजाब से नहीं निकलती, ये भी जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से निकलती सतलज नदी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये मानसरोवर झील में जो तिब्बत के पास में स्थित है मानसरोवर झील वहाँ से निकलती है और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है सांगपो कहा जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। और यही नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तब इसका नाम हो जाता है जमुना इसका नाम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन बैंकों में
पादप यानी कि पौधा जिन पदार्थों को तरल नाइट्रोजन में 196 डिग्री तापमान 196 तापमान पर किस रूप से सुरक्षित किया जाता है। तो चार ऑप्शन दिए गए, इसके हम ये देख लेते हैं चारों ऑप्शन को। ए अंकुरण तथा विभाज्योतक रूप में, बी वयस्क तथा विभाज्योतक रूप में, सी अवयस्क बीज उच्च नमी और डी पके फल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट इसका आंसर है वयस्क तथा विभाज्योतक, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाव से होने वाला रोग है, कौन सा एक अभाव से होने वाला रोग है। चार ऑप्शन दिए गए, ए दमा, बी पीलिया, सी स्कर्वी और डी कैंसर। अभाव यानी कि सूखा रोग, ठीक है। तो ये जो सूखा रोग होता है ये होता है स्कर्वी, ठीक है। अभाव यानी कि विटामिन सी की कमी से ये जो रोग होता है स्कर्वी, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, किसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ये किसे दिया गया, ये चार ऑप्शन दिए गए, ए सचिन तेंदुलकर, बी विश्वनाथन आनंद, सी गीत सेट्ठी और डी सुनील गावस्कर। तो करेक्ट इसका आंसर क्या है, करेक्ट इसका आंसर है विश्वनाथन आनंद, बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है इसकी शुरुआत जो हुई थी 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी 91-92 में, और पहला जो खेल रत्न अवार्ड मिला था वो मिला था विश्वनाथन आनंद। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाक जल डमरू मध्य किसको अलग करता है, चार ऑप्शन दिए गए, भारत और पाकिस्तान, भारत और बर्मा, भारत और श्रीलंका, भारत और अफगानिस्तान। तो कई लोग तो ये सोचते होंगे पाक जल डमरू मध्य भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन यह गलत है, भारत और बर्मा के बीच में। तो ये कहाँ पे है, भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, ठीक है। बीच में मन्नार की खाड़ी आती है, ठीक है, जो इन दोनों को अलग करता है। तो करेक्ट इसका आंसर क्या होगा, सी भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल किसकी सहायक नदी है, चार ऑप्शन है, ए ताप्ती, बी महानदी, सी गोदावरी और डी यमुना। तो तेल जो सहायक नदी है वो है यमुना की, यमुना की सहायक नदी है तेल। और ये जो यमुना नहीं सॉरी मैं क्या बोलता महानदी की सहायक नदी है तेल, तेल नदी। और ये जो महानदी निकलती है ये निकलती है छत्तीसगढ़ में स्थित एक जिला है रायपुर, रायपुर के पास में एक सिहावा, सिहावा नाम की एक जगह है, वहाँ से यह नदी निकलती है। तो करेक्ट इसका आंसर क्या है, बी महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विषाणुओं में आरएनए होता है किंतु डीएनए नहीं, कुछ विषाणुओं में आरएनए होता है किंतु डीएनए नहीं। तो यह क्या दर्शाता है, चार ऑप्शन दिए गए, ए ऐसे विषाणु प्रतिलिपि नहीं बनाते, बी ऐसे विषाणुओं में कोई आनुवंशिक की संकेत नहीं होती है, सी ऐसे विषाणुओं में आनुवंशिक की संकेत आरएनए देते हैं, और डी ऑप्शन एक और दिया गया है, इनके न्यूक्लिक अम्ल को क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं। तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट इसका आंसर होगा सी, ऐसे विषाणु में आनुवंशिक की संकेत आरएनए देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। चार ऑप्शन है, ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी महानदी। तो ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये है कावेरी नदी पर स्थित, और कावेरी ये जो नदी है ये कर्नाटक राज्य में बहती है, कावेरी नदी कहाँ बहती है, कर्नाटक राज्य में। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। बुल्स आई का प्रयोग किस खेल में होता है, बुल्स आई का प्रयोग किस खेल में होता है। तो चार ऑप्शन दिए गए, ए मुक्केबाजी, बास्केटबॉल, सी पोलो और डी निशानेबाजी। ये जो बुल्स आई है ये निशानेबाजी में जो हमारा मेन पॉइंट होता है, मेन केंद्रीय बिंदु होता है उसे कहा जाता है बुल्स आई, बुल्स आई, बुल्स आई इसे कहा जाता है, ठीक है, बुल्स आई कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, निशानेबाजी, डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, किस वर्ष बाघ कार्यक्रम की शुरुआत की गई, किस वर्ष बाघ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। चार ऑप्शन है, ए 1994, बी 1973, सी 1975 और डी 1971। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट इसका आंसर है 1973 में बाघ वर्ष बाघ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो बी इसका करेक्ट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फियोफाइसी का के सदस्य सामान्यतः कैसे होते हैं? फियोफाइसी, तो ये जो फियोफाइसी होते हैं ये एक प्रकार की शैवाल की एक प्रजाति है। तो ये फियोफाइसी के जो सदस्य होते हैं, चार ऑप्शन दिए गए, हरे, भूरे, लाल और पीले। तो करेक्ट आंसर इनमें से क्या है? करेक्ट आंसर है भूरे। भूरे होते हैं फियोफाइसी के सदस्य, शैवाल, भूरे शैवाल होते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदूषक जो नीचे जाते हुए भूमिगत जल के साथ नीचे की ओर गति करते क्या कहलाते? ए लिचेट्स यानी लिक्छालितिक, बी पॉल्यूटेट्स यानी प्रदूषित, सी अर्थिटेट्स और डी परकालेटेस यानी टपकना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट इसका आंसर आएगा ए लिचेट्स, ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है? चार ऑप्शन है, ए मेघालय, बी मणिपुर, सी नालंदा और डी असम। तो ये जो कामाख्या देवी का जो मंदिर है ये असम में एक, असम की राजधानी है, वैसे तो दिसपुर है लेकिन असम में एक गुवाहाटी शहर भी है, ठीक है। तो गुवाहाटी से यहाँ 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कामाख्या देवी का मंदिर। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरी की रथ यात्रा किसके उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है? ए भगवान राम, बी भगवान जगन्नाथ, सी भगवान शिव और डी भगवान विष्णु। तो करेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा? भगवान जगन्नाथ, बी इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन प्रदूषक का कारक कारण नहीं है? ए पेट्रोल का जलना, बी सूर्य ऊर्जा का प्रयोग, सी रबड़ का जलना और डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? देखिए पेट्रोल के जलने से उतनी ज़्यादा कोई प्रदूषण नहीं होता, सूर्य ऊर्जा का प्रयोग करने से भी कोई प्रदूषण नहीं होता। तो करेक्ट इसका आंसर आएगा रबड़ का जलना, क्योंकि रबड़ के द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न होता है और भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं है पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं है। तो जाहिर सी बात है सूर्य ऊर्जा का अगर प्रयोग करेंगे तो इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होगा, जबकि पेट्रोल और रबड़ ये दोनों तो है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है? तो वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है? ए तापमान, बी स्थान, सी मौसम और डी उपरोक्त सभी। तो वायु की आर्द्रता के लिए तो ये सारे कारण जरूरी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? उपयुक्त सभी, डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? ए विशेष बहुमत से, बी साधारण बहुमत से, सी बिना बहुमत से और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में राज्यों का निर्माण करने के लिए जो भाग एक है उसमें अनुच्छेद नंबर 3 है, अनुच्छेद नंबर 3 जिसके द्वारा नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे क्या है? बिना बहुमत से, बिना बहुमत से भी नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति खालिस्तान में होती है? राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति खालिस्तान में होती है। ए रक्षा मंत्रालय, बी प्रधानमंत्री कार्यालय, सी भारतीय प्रतिभूति और विनियामक और डी राज्यसभा। तो करेक्ट इसका आंसर क्या है? करेक्ट इसका आंसर है राज्यसभा। राज्य सूची के जो विषय होते हैं वो राज्यसभा में ही बनाए जा सकते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल मिलाकर उड़ीसा में खालिस्तान संसदीय यानी कि राज्यसभा सीटें, ए 10, बी 19, सी 10, सॉरी ए 11, बी 19, सी 10 और डी 1। तो करेक्ट इसका आंसर क्या आएगा? टोटल 10, सी इसका करेक्ट आंसर है। कुल मिलाकर उड़ीसा में 10 राज्यसभा सीटें और 21 जो है इसमें लोकसभा सीटें हैं, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस तरह के संघवाद को देखा जाता है? ए सहसंबंध परिसंघ, बी एकजुट संघवाद, सी सहसंबंध संघवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? करेक्ट इसका आंसर होगा एकजुट संघवाद, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की
सातवीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक खालिस्तान सूची का विषय है। भारतीय रिजर्व बैंक कौन सी सूची का विषय, ये पूछा गया है। तो चार ऑप्शन है, ए संघ, बी राज्य, सी वैश्विक और डी समवर्ती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, संघ। संघ सूची का यह शामिल है भारतीय रिजर्व बैंक, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा? भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा? चार ऑप्शन दिए गए, ए समता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण का अधिकार, डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो करेक्ट इसका आंसर क्या है, समता का अधिकार, ए इसका करेक्ट आंसर है, ए इसका करेक्ट आंसर है। और जो समता का अधिकार है ये 19 अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसमें वर्णन किया गया, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार के बारे में बताया गया। छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है, ए चक्राकार उपागम, बी अध्यापक केंद्रित उपागम, सी एकीकृत उपागम, डी स्व अनुदेशन उपागम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्ट इसका आंसर आएगा एकीकृत उपागम, सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है, प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। चार ऑप्शन दिए गए, चारों को हम देखेंगे, ए पाठों को शीघ्रतापूर्वक दोहराने के अवसर देना, बी व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, सी छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना, डी विज्ञान अध्यापन में धन की बचत करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना, सी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल विजय एकेडमी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप हमसे किसी प्रकार की क्यूरी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, 8689 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, 8962429653 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप नोट करके रख लीजिएगा और इससे आप किसी प्रकार की क्वेश्चंस या कोई भी क्यूरी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।